वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल और हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा.com से जुड़े हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल करें, मनीष चंद्रा जी का सवाल है। इन्होंने लिखा है कि एक कार है जो ये इनकी कंपनी से इनको मिली थी, लेकिन अब इनके नाम पर ट्रांसफर हो रही है। कार जो है 3 साल पुरानी, इसको ये बेचने की सोच रहे हैं और जानना आपसे चाह रहे हैं कि इस पर टैक्स लायबिलिटी क्या कुछ बनेगी, जो रकम आएगी इसको बेचने से। हालांकि कार की डिटेल्स कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है कि कौन सा मॉडल है और क्या उसका प्राइस है। बस इतना इन्होंने लिखा है कि अगर इस गाड़ी को ये बेचते हैं तो क्या वो रकम टैक्सेबल होगी और किस तरह से कैलकुलेशन होगी। बलवंत साहब देखिए, पल्लवी जो क्वेरी मैं जहां तक समझ पाया हूं, मनीष जी को जो उनकी कंपनी जो गाड़ी है वो इनके नाम से ट्रांसफर कर रही है, तो जो 20% का डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो बुक वैल्यू है इनकम टैक्स परपजेज के लिए कंपनी की बुक्स में और जो प्राइस में कंपनी इनको ट्रांसफर कर रही है, वो दोनों का डिफरेंस है वो इनकी परपजेज मतलब पार्ट ऑफ सैलरी गिना जाएगा और कंपनी है वो उस पर TDS काटेगी। और लेने के बाद में जब अगर ये पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो चूंकि मोटर कार पर्सनल इफेक्ट है तो इस पर जो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह होता है तो उसको कैपिटल गेन में नहीं शामिल किया जाता, वो कैपिटल असेट ही नहीं है। परंतु तो अगर ये बिजनेस के लिए अगर यूज करते हैं और अगर जितने में खरीदे उससे ज्यादा अगर पैसा मिलता है तो वो उनकी बिजनेस इनकम में एज ए बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल हो जाएगा, पर नॉर्मली इसका जितना पैसा दिया उससे ज्यादा रियलाइज होने का चांस कम है। चले, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सनल एसेट है इसलिए कैपिटल गेन्स का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात इसकी वैल्यू की, तो बुक वैल्यू से जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है अगर उससे कम कीमत पे मिल रहा है तो आपको कंपनी TDS काट कर ही कंपनी का जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी। अगले दर्शक ऋतुराज है, बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद है।